नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। सीएससी द्वीप को प्रदेश में 13वां स्थान मिला है, पहले भी 11वां स्थान प्राप्त हो चुका है सीजेरियन में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीच बीच में आप लोग अच्छी तरह से आते रहें तो मैं अपनी जो है हमारी जो समस्याएं हैं और हमारे जो अचीवमेंट है आप लोगों को हम नॉलेज देते रहेंगे ताकि जो है ये मीडिया में आता रहे, तो ये अच्छी बात होगी। और मैं सबसे पहले मैं जब से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी मैडम सीमा मैडम को, जब से वो आई हैं यहाँ पे तब से उनकी जो तत्परता है उनकी और जो उनका जो है काम करने का तरीका है, जिससे हम लोगों को काफ़ी जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं सब में ये पहले की अपेक्षा अब कम अचीवमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे गर्भवती माँ का रजिस्ट्रेशन हो उसमें भी हमारा जिला बहुत अच्छे नाम पे आ रहा है। टीकाकरण हो, जहाँ हम 80-85% जहाँ हो रहा था तहाँ हम 90% के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हो जा रहा है। हम जो है परिवार कल्याण जिसमें नसबंदी जिसमें आता है उसमें हमारा जिला पहले स्थान पर है। और इसके साथ ही साथ जो मैडम ने एक हमारी चूँकि जो सीएससी एफ आर यू है जो कि एक्टिव नहीं थी, मैडम के आने के बाद उनके शासनादेश के बाद जो हमें उनकी कर्मठता दिखी है उनके बदौलत हम लोगों ने जो है इस सीएससी को मैडम ने एफ आर यू एक्टिव कराया और हमारी जो यहाँ शासन संसाधन नहीं थे उन्होंने मुहैया कराए, जिसके वजह से मुझे हमने सीएजी यहाँ करना शुरू किया। और अप्रैल से लेकर के 15 दिसंबर तक मैंने जो है जो मेरा टारगेट से ज़्यादा हम लोगों ने अचीवमेंट किया, ये हमारे लिए गौरव की बात, इस सीएससी के लिए गौरव की बात है। अब तक हमने शुरू किया था अप्रैल से लेकर के सीजन शुरू किए और अब तक 15 दिसंबर तक हमने 50 केस करके जो है इस सीएससी की गरिमा बढ़ाई है, ये हमारे लिए बड़ी गरिमा की बात है। और मैं इसलिए जो है मैं और कोशिश करूँगा क्योंकि ये हमारे सीजन जो हम दिन में रूटीन में करते हैं 10 से 4, अभी हम लोग नाइट में नहीं करते क्योंकि जिला अस्पताल नहीं सीएससी लेवल है, तो हम इसको अभी हम धीरे धीरे इसको हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीबों को जो है यहाँ एडवांटेज मिल सके। बहुत सारे क्योंकि ये जब ये ऑपरेशन बाहर कहीं प्राइवेट सेक्शन में होते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्री में कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करके जो है इस जिले का नाम ऊंचा करेंगे। मैडम, दीक सीएससी ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड बनाया है जिसमें प्रदेश को इस महीने में 13वां स्थान हासिल हुआ है, चाहे उस सीजेरियन ऑपरेशन रहा हो या फिर परिवार कल्याण के क्षेत्र में, इसमें काफ़ी कुछ आपका प्रयास रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्रयास है, ये तो पूरा स्टेट का ही प्रयास है। मुख्यमंत्री जी एंड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छा करें, इम्प्रूव करने के लिए हमेशा कहते हैं। तो सरकार की वजह से हम भी एक प्रयत्न करते हैं कि भाई मैं जहां भी मैं नौकरी कर रही हूं वहां अच्छी तरह मैं प्रयास करके भाई उस डिस्ट्रिक्ट को मैं स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर करना चाहती हूं। प्रदेश में आपको 13वां रैंक मिला है, इस पर क्या कहेंगे? आज तो 13वें रैंक पर हैं, हम तो यही चाहेंगे कि भाई हम भी फर्स्ट रैंक पर आ जाए। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों को सुधारने की दिशा में पिछले महीनों में आपके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, तो अभी क्या खामियां रह गई हैं जिन पर काम करना है आपको? खामियां हम लोग के एक्चुअली आजकल नए नए वो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे एनीमिया मुक्त भारत के बारे में। देखिए, हम लोगों की उत्तर प्रदेश में अभी भी 50% कहते हैं कि महिलाएँ बच्चे लड़कियाँ काफ़ी एनिमिक हैं, तो हम लोग अगर एनीमिया इम्प्रूव कर लेंगे हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं जैसे शुरू से ही गर्भवती महिलाओं के ऊपर लड़कियों के ऊपर हम लोग जैसे आयरन फोलिक एसिड की कमी जो है वो अगर भरपूर कर देंगे या लाइफस्टाइल चेंज कर दें उन लोगों की, जैसे गांव में हम लोग की आजकल की उसमें सब्जियों की सेवन होना चाहिए। गाँव में शायद अक्सर लोग सोआ मेथी बथुआ खाते नहीं हैं, तो हम चाहेंगे कि शुरू से ही अगर हम लोग हेल्थ सर्विसेज एंड लाइफस्टाइल अगर हम लोग उन लोगों को बता दें कि भाई क्या खाने से पौष्टिक आहार किस में क्या विटामिन्स मिलेगा, अगर हम लोग बता दें थोड़ा सा अवेयरनेस लाएंगे तो शायद शुरू से ही लड़कियों की और माताओं की एंड उनकी जो लैक्टेटिंग मदर्स जो स्तनपान कराते बच्चों की उन माताओं को एनीमिया अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो हम लोग भाई उन लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो फिर हम लोगों की मृत्यु भी
अवॉइड कर सकते हैं एंड काफ़ी पहले से बेहतर आयरन फोलिक एसिड भी हम लोग अगर शुरू से उन लोगों को खिला दें तो हम लोग एनीमिया मुक्त भारत कर सकते हैं। एनीमिया समेत अन्य रोगों के निदान में आयुष्मान भारत की क्या भूमिका नज़र आती है? आयुष्मान भारत में तो ये तो बहुत अच्छा स्कीम है। ये तो हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्रयास करें, उसमें और पेशेंट्स को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो फ्री सेवाएं बहुत अच्छी तरह हो सकती हैं।